नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं पीके रियल फैक्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो आज का हमारा पहला फैक्ट, दांतों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? दोस्तों, दांत यानी भोजन को चबाने में प्रयोग किया जाने वाला सबसे अहम हिस्सा है, पर क्या आपने कभी सोचा है दांतों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल हमारे दांत कई परतों से मिलकर बने होते हैं। इनमें सबसे बाहरी परत को दंतवाल्क या इनेमल कहा जाता है, और जिसका मुख्य तत्व कैल्शियम होता है। यह इनेमल सफ़ेद रंग का होता है और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे दांत सफ़ेद दिखाई देते हैं दोस्तों। फैक्ट नंबर टू, मच्छर के काटने से हमें खुजली क्यों होती है? दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काटने का कार्य केवल मादा मच्छर ही करती है, नर मच्छर नहीं। अब जब हमें मादा मच्छर काटती है तो हमें बहुत खुजली होती है, और कभी कभी वह खुजली इतनी अधिक होती है कि हम खुजा कर काटी हुई जगह पर घाव बना लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल जब हमें मादा मच्छर काटती है तो काटी हुई जगह पर बहुत जल्दी खून का थक्का ना जमे, इसके लिए वह विशेष प्रकार का थक्का रोधी रसायन हमारे शरीर में छोड़ती है, जिससे हमारे शरीर में कुछ देर के लिए खून का थक्का नहीं जमता है और आसानी से हमारा खून चूस लेती है। इस रसायन के हमारे शरीर में प्रवेश करने से हमें खुजली का एहसास होता है। उसके साइड इफ़ेक्ट से बचने में रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति की मदद करती है। इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को हिस्टामिन के नाम से जाना जाता है, जो एक कंपाउंड रिलीज करती है। यह कंपाउंड शरीर के अंदर मौजूद वाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाकर उस प्रोटीन से लड़ने में मदद करता है। हिस्टामिन नाम के इस कंपाउंड की वजह से व्यक्ति को खुजली और सूजन महसूस होती है, और यही कारण है कि मच्छर के काटने पर हमें खुजली होती है। मच्छर के काटने पर शरीर की वो जगह बेहद संवेदनशील हो जाती है, और बार बार खुजली करने से वहाँ की त्वचा पर सूजन या इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है दोस्तों। फैक्ट नंबर तीन, तिरंगा लाल किले से ही क्यों फहराया जाता है? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं, पर क्या आपने कभी तिरंगे को लाल किले से ही क्यों फहराया जाता है ये जानने की कोशिश की? अगर नहीं तो आइए जानते हैं क्यों। दरअसल जब 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया, तब यह आंदोलन मेरठ से बढ़ते हुए 11 मई को दिल्ली में प्रवेश कर गया, और उन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। इससे अंग्रेजी शासन को बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1857 दिल्ली पर फिर अधिकार कर लिया। इस आंदोलन पे हजारों लोगों की जान भी गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को भी गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह को गिरफ्तार करने के बाद उन पर लाल किले में ही जनवरी 1858 में मुकदमा चला। यह दीवाने खास में चलाया गया और बादशाह के खिलाफ लगभग 40 दिन मुकदमा चला और उन्हें देश निकालने की सजा दी गई। बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। इसके साथ ही कई स्वतंत्रता सेनानियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, क्योंकि लाल किले में उस समय की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी, तो इसकी महत्वता को देखते हुए इस पर उस समय तिरंगा फहराया गया था। इसीलिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगे को सबसे पहली बार लाल किले से ही फहराया था दोस्तों। फैक्ट नंबर फोर, चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों, आपने देखा होगा जो लोग या वाहन चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं वे सभी लाल कलर के प्लस का एक चिन्ह प्रयोग करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल जिस प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है वह रेड क्रॉस का संकेत है, जो चिकित्सा के सेवाओं के क्षेत्र में एक स्वैच्छिक संगठन है। रेड क्रॉस की मूल अंतर्राष्ट्रीय समिति 1963 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेनरी ड्यूनेंट और गुस्ताव मोनिनियर द्वारा स्थापित की गई थी। यह संकेत हमेशा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस इत्यादि में पाया जाता है। डॉक्टर या चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल के समय उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। यही कारण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग किया जाता है। फैक्ट नंबर फाइव, कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज में क्यों नहीं होते? दोस्तों, कंप्यूटर का प्रयोग तो आजकल सभी घरों में होता ही है,
तो आपने कंप्यूटर के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड को देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज यानी ए बी सी डी की सीरीज में ना होकर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई फॉर्मेट में होते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो जानते हैं हम इस वीडियो में ऐसा क्यों। दरअसल कीबोर्ड टाइपराइटर का बदला हुआ रूप है। टाइपराइटर को 1868 में लैथम सोल्स ने बनाया था और शुरुआत में टाइपराइटर के बटन ए बी सी डी की सीरीज में नहीं थे। शुरुआत में ए बी सी डी की सीरीज में ही होते थे, लेकिन इन बटनों की सहायता से टाइपिंग करना कठिन होता था, तो इस कठिनाई को कम करने के लिए कीबोर्ड में कई बदलाव किए गए। और सबसे पहले उन अक्षरों का चयन किया गया जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद उन्हें उंगलियों की पहुँच के हिसाब से क्रम में लगाया और 1873 में सोल्स ने एक नए तरीके से बटनों वाले टाइपराइटर का निर्माण किया। इसी का नाम है क्यू डब्ल्यू ई आर टी रखा गया और बाद में यह मॉडल सोल्स में रेमिंगटन एंड सन्स ने खरीदा और 1874 में रेमिंगटन ने कई और कीबोर्ड भी बाजार में उतारे। और जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए कंप्यूटर में भी इसी कीबोर्ड का प्रयोग किया गया। हालांकि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड और टाइपराइटर में प्रयोग होने वाले बटनों में थोड़ा सा अंतर होता है, तो यही कारण है कि कीबोर्ड के बटन अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 6, सड़क के बीच झाड़ियां और पौधे क्यों लगाए जाते हैं? दोस्तों, आपने सड़कों के बीच बने डिवाइडर पर लगे पेड़ और झाड़ियों को तो देखा ही होगा। ये बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन पेड़ पौधों को सड़कों के बीच लगाने का क्या मतलब है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि सड़क के बीच झाड़ियां और पौधे क्यों लगाए जाते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये पेड़ और झाड़ियां सड़कों को सुंदर दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये पेड़ और झाड़ियों को डिवाइडर के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय एक ओर से आने वाले वाहनों की हेडलाइट की रोशनी दूसरी ओर से आने वाले वाहनों पर ना पड़े और किसी भी ओर के वाहन चालकों को कोई भी समस्या ना हो। कई बार इन पेड़ और झाड़ियों के ना होने की वजह से बहुत से खतरनाक सड़क हादसे हो जाते हैं और इसी को देखते हुए ये पेड़ और झाड़ियां सड़कों के बीच बने डिवाइडर पर लगाए जाते हैं। इन पेड़ और झाड़ियों को सड़कों के बीच और किनारे लगाने को एक और फायदा है, ये भी है कि इनकी वजह से जंगली जानवर भी सड़कों पर नहीं आते हैं, क्योंकि कई बार जंगली जानवरों के भी सड़कों के बीच में आ जाने से सड़क दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 7, बर्फ का टुकड़ा पानी पर क्यों तैरता है? दोस्तों, हमने देखा होगा कि ठोस किसी द्रव में डाला जाता है तो वो डूब जाता है, लेकिन जब एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डुबोया जाता है तो वो पानी पर तैरने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? अगर नहीं जानते हैं तो देखते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कोई चीज पानी पर तब तक तैरती है जब तक वह अपने वजन के बराबर पानी हटा देती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि बर्फ पानी से हल्की होती है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जमने के बाद बर्फ ज़्यादा जगह घेरती है, जिस कारण उसका बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और यही वजह है कि बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है। फैक्ट नंबर 8, जुगनू क्यों चमकते हैं? दोस्तों, आपने अपने घरों के आसपास रात के समय जुगनू को चमकते हुए देखा होगा और ये चमकते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ये चमकते कैसे हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल जुगनू अपने भोजन की तलाश में या फिर अपने साथी को आकर्षित करने के लिए चमकते हैं। जुगनू के शरीर के पीछे के हिस्से में रोशनी जलती है। यह रोशनी जुगनू के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। इस क्रिया में ल्यूसीफेरेस और ल्यूसीफेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है और जब यह प्रोटीन ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो रोशनी पैदा करते हैं। जुगनू के साथ और भी ऐसे जीव हैं जिनमें रोशनी पैदा करने का गुण होता है। जुगनू हमारे वातावरण में आसानी से पाया जाता है, इसलिए जुगनू रोशनी पैदा करने वाले जीवों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। फैक्ट नंबर 9, गिरगिट रंग कैसे बदलता है? दोस्तों, आपने अपने आसपास गिरगिट को तो देखा ही होगा और आपने ये भी देखा होगा कि कोई भी खतरा होने पर गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि गिरगिट ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल गिरगिट अपना रंग अपने आसपास के वातावरण के अनुसार बदल लेता है। रंग बदलने की यह खूबी गिरगिट को अपने दुश्मनों से बचाने में काम करती है। गिरगिट का रंग बदलना उसकी त्वचा में उपस्थित क्रोमाटोफोरस नामक सेल के कारण होता है। इस सेल को गिरगिट के मस्तिष्क से नियंत्रित किया जाता है। जब मस्तिष्क को खतरा महसूस होता है तो वह खतरा भांपकर कोशिकाओं को फैलने और सिकुड़ने हेतु निर्देशित करता है और क्रोमाटोफोरस सेल अपना आकार बदलते हैं और क्रोमाटोफोरस सेल में
भूरे, पीले, काले और सफ़ेद रंग के रंजक होते हैं और इन्हीं रंजकों के कारण गिरगिट का रंग बदल जाता है और यह आसपास के वातावरण में घुल मिल जाता है। दोस्तों, आज का हमारा अंतिम और दसवां फैक्ट, गाड़ियों के टायर काले ही क्यों होते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि गाड़ियों के टायर हमेशा ही काले कलर के होते हैं, टायर कभी किसी और कलर के नहीं होते, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? तो जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल हमारी गाड़ियों के टायर जल्दी ना घिसे, इसके लिए टायर को बनाते समय उसमें काला कार्बन मिलाया जाता है, जिससे टायर का रंग काला हो जाता है और इस कार्बन को मिलाने से टायर और अधिक मजबूत हो जाता है और जल्दी नहीं घिसता है। लेकिन बच्चों की गाड़ियों या साइकिल के टायरों का रंग काला इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अधिक नहीं चलते, तो इनमें काला कार्बन नहीं मिलाया जाता है। यही कारण है कि गाड़ियों के टायरों को रंग काला रखा जाता है। दोस्तों, आज के हमारा फैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।